एक्सक्यूज मी मैम। यस। राम राम। राम राम। लगता है आप कहीं जा रहे हैं सुबह सुबह। हाँ जी, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। ओह, इंटरव्यू है आपका। फिर तो शायद आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा ही जाएगा। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ। और ये मेरे पास आंटी हैं और इनको कैंसर है, बस इनके पास 6 महीने का टाइम है और इनकी एक जवान बेटी है शादी करने के लिए, और इनकी पति की हालत भी बहुत क्रिटिकल है। और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप मैम ये गेम खेलकर इनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। एक गेम से किसी की मदद? हाँ। और मेरा क्या बेनिफिट होगा? बताती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ओके। ये देखिए, ये 50 लाख की FD और ये पूरे 20 लाख रुपए और ये 2 लाख की घड़ी जी। ये 50 लाख की FD, ये पूरे 20 लाख रुपए और ये 2 लाख की घड़ी। आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकती हैं, वो आपकी हो जाएगी। लेकिन उस ट्विस्ट में ये, अगर आप ये FD सिलेक्ट करती हैं तो वो इनकी मदद करेगी, इनको भी पैसों की सख्त जरूरत है और ये गेम बस इनके लिए हो रहा है। और FD के अलावा मैंने कुछ और चूज किया तो वो आपका हो जाएगा। ओके। इस दुनिया में पैसों के सब भूखे हैं, और वैसे भी इनके पास 6 महीने हैं, 6 महीने में इतना कमा सकती हैं, इनके हाथ पैर सही सलामत हैं। और इनकी बेटी क्या अपाहिज है, वो कमा नहीं सकती है। हम भी तो अपने घर वालों को कमा के दे रहे हैं, ये दूसरों के भरोसे जीने का सहारा चाहिए होता है इन्हें। सही कह रहे हो आप। आपकी सोच से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। किसी के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं रह गई, हाथ पैर सही सलामत है, कमाल है। सिचुएशन देखनी चाहिए, अगर एक बीमार इंसान है तो वो कैसे काम कर सकता है, इतना तो सोचना चाहिए। देखते बाकी और लोग भी आने वाले हैं, वो कैसे निकलते हैं। हेलो मैम। हेलो। राम राम। राम राम। और आपके पास क्या 5 मिनट टाइम है? एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी मैम, टाइम तो नहीं है, बट बताइए क्या बात है। ये जो लेडी हैं, इनको अभी पैसों की सख्त जरूरत है, इनको खुद कैंसर है और इनके पास बहुत कम टाइम है, और इनकी एक बेटी जवान बैठी है शादी के लिए, और इनकी पति की भी हालत बहुत क्रिटिकल है। इनकी मदद करने के लिए हमने एक छोटा सा गेम रखा है, अगर आप सपोर्ट करते हो तो इनकी मदद हो सकती है। दिखाइए कैसा गेम। ओके। ये देखिए मैम, तो ये पूरे 50 लाख रुपए की FD है और ये पूरे 20 लाख रुपए और ये 2 लाख की घड़ी। आप तीनों में से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हो सकती है। बट उस ट्विस्ट में अगर आप FD सिलेक्ट करती हैं तो वो इनके पास चली जाएगी और इनकी मदद हो जाएगी। तो क्या आप इनकी मदद करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? ऑब्वियसली बात है मैम, मैं पैसे उठाऊंगी क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि मैं जॉब के लिए जा रही हूँ अभी। पर मैं इन्हें लेती हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दोबारा तो नहीं मांगोगे ना मैम? नहीं नहीं, ये आप ही के पैसे, इन्हें कोई वापस नहीं लेगा। मांगूंगी। चलो ठीक है ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। कितनी मतलबी दुनिया है। हेलो। यस। राम राम। राम राम। ये जो लेडी हैं, इनको पैसों की सख्त जरूरत है, और इनकी मदद के लिए मैंने एक छोटा सा गेम शो रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको डिटेल में बताऊं। हाँ बताओ। तो सर, ये है पूरे 50 लाख की FD, ठीक है, जो कि हमारी जनता का फंड है, और ये है पूरे 20 लाख रुपए और ये 2 लाख की घड़ी है। अगर आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ चूज कर दें तो वो आपके हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और अगर आप ये FD चूज करते हैं तो वो इन मैम को मिल जाएगी। इनको कैंसर है, इनके पास सिर्फ 6 महीने टाइम है, और तो और इनकी एक जवान बेटी भी है शादी के लिए, और इनके पति की भी हालत बहुत क्रिटिकल है। अगर आप ये फंड एक्सेप्ट करते हो तो वो इन मैम को मिल जाएगा, अदरवाइज पैसे या घड़ी कुछ भी चूज करते हो तो वो आपको मिलेगा, वो अब आपके ऊपर है। आपने तो इमोशनल कर दिया मुझे। इनकी बेटी, उसकी शादी होनी है, कुछ 6 महीने ही बचे इनके पास, ये मरने भी वाले हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पर मैं क्या करूँ, आपसे ज्यादा मुझे खुद से हमदर्दी है। आपके 50 लाख के लिए मैं अपने 20 लाख का नुकसान क्यों करूँ? और वैसे भी मिस बुद्धी, आप तो 6 महीने में मरने वाली हैं, और आपकी लड़की, आजकल बहुत सामूहिक विवाह होते हैं, कहीं भी किसी मंदिर में करवा देना। ठेका थोड़ी ले रखा मैंने इन जैसे लोगों का कि मैं सब कुछ इन्हीं के लिए करूंगा। और मैम,
मुझे भी 20 लाख रुपए चाहिए। वाओ सर, क्या बात है, आपकी चॉइस देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। सच में आप सच में बहुत महान इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। क्या बात है, कोई बात नहीं, इनकी मदद तो कोई ना कोई कर ही देगा। आप पहले अपना बेनिफिट देखिए, वैसे भी ये दुनिया है, पहले अपना फायदा फिर किसी और का ना। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो बात तो सुनी होगी आपने, बिल्कुल आप पे लागू होती है। बहुत अच्छा लगा सुनकर समझ कर। नाइस टू मीट यू। तो ये पैसे मेरे हुए मैम? जी आपके हुए। थैंक यू सो मच मैम। ओके। और बुड्ढी, तुम्हारे लिए मैं प्रे करूंगा भगवान से कोई ना कोई मदद कर ही दे। कैसे कैसे लोग बसे दुनिया में, कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता, सबको सिर्फ अपना फायदा, अपनी चीजें नजर आती हैं। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मेरी भी माँ हो सकती है उसकी जगह, और हर माँ को अपनी माँ की तरह लेना, हर बेटी को अपनी बहन की तरह सोचे तो कितना अच्छा हो जाएगा। दुनिया में हर कोई एक दूसरे की मदद करने लग जाएगा। बेटा मैंने एक चीज देखी है, लेकिन जितना आज के टाइम में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं ना, उतनी अपनी तहजीब भूलते जा रहे हैं। सही कह रहे हो आप, ढंग भी बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। क्या होगा इस देश का कुछ समझ नहीं। चलो देखते हैं किसी और को। हेलो सर। राम राम। राम राम। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बस आपके 5 मिनट लेना चाहती हूँ। ये जो महिला है, इनको पैसों की सख्त ज़रूरत है, और इसलिए मैंने एक छोटा सा गेम रखा। अगर आप खेलते हैं तो इनका फ़ायदा हो सकता है। इनको कैंसर है और ये बस 6 महीने की मेहमान है, और इनकी जवान बेटी शादी करने लायक है, और उनके हस्बैंड भी बहुत बीमार रहते हैं, दारू वगैरह पीते हैं। तो अगर आप मदद कर सकती हैं तो थोड़ी मदद कर दीजिए प्लीज़। हाँ क्यों नहीं, मैं मदद करूँगा पति। आइए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए सर, ये 3 चीज़ें हैं, पूरे 50 लाख की एफडी, ये पूरे 20 लाख रुपए, और ये एक घड़ी जो कि 2 लाख रुपए की है। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें से क्या चूज़ करते हैं। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी हो जाएगी। अगर आप एफडी चूज़ करते हैं तो वो इन मैम को मिलेगी। एफडी 50 लाख रुपए की है और ये 20 लाख रुपए मेरे हो सकते हैं। हाँ, और घड़ी भी आपकी हो सकती है। पर एफडी नहीं। हाँ, आप मुझे एफडी दे दीजिए। ये आपको नहीं मिलेगी, ये इनको मिलेगी, आपको पता है? हाँ क्यों नहीं, ये इन्हीं के लिए लिए मैंने, और ये भी मेरी माँ की तरह ही है। मैंने अपनी माँ तो खो दी, मैं किसी और की माँ खोने नहीं दे सकता। और वैसे भी इनकी लड़कियों की शादी है, वो भी मेरी बहन ही है, तो ये पैसा उनके काम आ जाएगा और कुछ इनके भी काम आ जाएगा। हालांकि इससे ज़िंदगी नहीं सुधर सकती, पर कुछ टाइम तक आराम मिल सकता है इन पैसों से। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला, इन पैसों से पूरी ज़िंदगी नहीं सुधर सकती, लेकिन कुछ टाइम के लिए इनके हालात ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने किसी और की बहन को अपनी बहन समझा, और किसी और की माँ को अपनी माँ समझा, और मदद करने के लिए अपने हाथ खड़े करे। थैंक यू सो मच आपका। नाइस टू मीट यू, आपका दिन अच्छा जाए। पर मैम। हाँ जी। एक बात पूछ सकता हूँ मैं? बिल्कुल। जब आप ये गेम खेलती हैं तो आप ही इनकी कोई मदद कर देती हैं? हाँ सही सवाल पूछा आपने, गेम तो मैं ही खिला रही हूँ और पैसे भी मेरे आ गए, तो मैं क्यों नहीं मदद कर सकती थी। पर ये पैसा जनता का है, तो जनता ही सिलेक्ट करेगी ना कि ये किसके हाथ में जाना है। इसीलिए आप जैसे लोगों की मुझे मदद चाहिए थी, और थैंक यू सो मच आपने मेरी मदद करी। अच्छा मैम, ये जनता के पैसे थे? अच्छा ये मौका मुझे मिला, बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं। शुक्रिया बेटा तुम्हारा, जो तुमने मेरी मदद करी। मैं चाहूंगी भगवान तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए और ऊंचाइयों को छुओ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, तुम सबकी मदद करो और ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा साथ दे। शुक्रिया बेटा। अरे नहीं माँ, इसकी कोई बात नहीं है, ये तो एक बेटा अपनी माँ के लिए कर ही सकता है, और आप तो वैसे भी मेरी माँ ही लगती हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस माँ मेरे लिए दुआ करना, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसमें मैं पास हो जाऊँ। सबको ऐसा बनाए, सबको ऐसी शिक्षा दे। धन्यवाद बेटा। ओके माँ। सो हेलो एवरीवन। हेलो सर। आप लोग ये ओल्ड एज होम एनजीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सर क्योंकि हमें ओल्ड लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। तो आप लोग रास्ते में बूढ़े लोगों की मदद भी करते होंगे? ऑफ कोर्स सर। तो आप लोग अपनी लाइफ पे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल सर, मैंने तो कई वृद्धाश्रम में काम भी किया है, इतने ही मैंने तो अनाथ आश्रम में भी काम कर रखा है। और मेरा मानना यह है कि जरूरी नहीं कि हम वृद्ध लोगों की ही मदद करें, हमें हर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। काफी अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू सर। आप कुछ बोलना चाहोगे? सर मुझे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें वृद्धा आश्रम में जॉब कर रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए कि वृद्ध लोग कैसा सोचते हैं, क्योंकि सर उनके हिसाब से हम सोचेंगे तब हम उनकी ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि वृद्ध लोगों को बुढ़ापे में प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, जो उनको उनके बच्चों से नहीं मिल पाता, तो हमें उन्हें प्यार देना चाहिए। सच में आपकी सोच काफ़ी अच्छी है मिस कविता।
प्लीज आप अपना ओपिनियन रखें। क्यों नहीं सर, मेरा रीजन इन सबसे अलग है, क्योंकि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे वृद्ध लोगों की मदद करना पसंद है, यही मेरा एकमात्र रीजन है। अजगर आप काफी चुप चुप लग रहे हो, प्लीज आप भी कुछ बोलो। सर मैं ये वृद्ध आश्रम इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी मॉम नहीं है और बाकी सर मेरे घर पे भी कोई बूढ़ा इंसान नहीं है, तो सर मैं यहाँ पे बूढ़े माँ बाप का प्यार पा सकूंगा और अपनी माँ की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और बाकी सर मैं जितनी चाहे उतनी हेल्प कर दूँ वो मेरे लिए कमी है, पर मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छा देने की कोशिश करूँगा। आप लोगों की सोच तो काफी अच्छी है लेकिन फाइनल डिसीजन मैम का ही होगा। मैम हेलो गाइस। हेलो मैम, पहचाना? बिल्कुल, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे ऑफर जो देते रहते हो। यही तो आपकी गलत फहमी है, वो कोई ऑफर नहीं था और वहाँ पे खड़ी लेडी कोई बेसहारा बेचारी नहीं थी, वो हमारी एनजीओ की सबसे सीनियर मैम थी। मतलब? मतलब तुम्हारा टेस्ट ले रही थी मैं, इंसानी रूप में तुम कैसे इंसान हो, इंसानियत है तुम लोगों में, तो सबकी माओ के साथ ऐसे कर दो। अरे सबकी तो छोड़ो, तुम लोग अपनी माओ के साथ भी ऐसे ही करते हो। इनफ मैम। शट अप अंकिता, तुम तो बात ही मत करो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है? बुढ़ी मरे तो मरे, मेरा क्या जा रहा है, उसकी एक बेटी, उसके भी हाथ पैर सही सलामत है, कमा सकती है। अरे तो उसमें मैम मैंने क्या गलत बोला, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी तो कमा रही हूँ ना अपने घर वालों के लिए। और अभी 5 मिनट पहले आप लोग कितना बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, दिखावटी लोग। मैंने क्या गलत बोला, मैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करती हूँ और उनकी कदर भी करती हूँ। आपके ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट है और बाकी के वो इंसान नहीं है। तुम ये सब लेकर आओगे हमारे एनजीओ में, ऐसे बुजुर्ग लोगों से बात करोगी, ऐसे प्यार करोगी, क्योंकि वो तुम्हारे सगे दादा दादी तो होंगे नहीं ना, जब खून के रिश्ते होते वही प्यार इमोशंस होते। इंसान बनो, दिल से रिश्ते निभाओ, खून से नहीं। सॉरी मैम। और मिस्टर आकाश आप तो गिरगिट से भी ज्यादा स्पीड में रंग बदलते हैं। इंसान के इमोशंस को देख के पहले फूल की तरह, अच्छा अच्छा आपकी बेटी मरने वाली है या आप मरने वाले हो, मुझे क्या, मेरी माँ तो नहीं है वो। मैम मैंने गलत क्या किया, हर कोई अपने फायदे के लिए सब कुछ करता है, तो मैंने भी अपना फायदा देखा उधर। एनजीओ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ फायदा नहीं देखा, खास करके अपना फायदा तो। सर कोई भी इतना बड़ा ऑफर देगा 20 लाख रुपए देगा तो मैं मना क्यों करूँगा सर। वही तो, मेरे अंदर इंसानियत है सर, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं 20 लाख छोड़ दूँ। कल को तुम्हें कोई 50 लाख देगा तो इंसानों को भी बेच देना ना। हमारा एनजीओ दिल्ली के टॉप एनजीओ में से आता है, यहाँ करोड़ों के डोनेशन होते हैं, तो आप लोग ये करने वाले हो। मैम हमें एक मौका देके तो देखिए। बिल्कुल एक मौका देती, अगर यही बर्ताव आपकी दादी के साथ मैंने किया होता तो जरूर मैं भी आपसे एक मौका मांग रही होती। मैम आई एम रियली सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें, हर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। काश ये चीजें पहले बताते वक्त करी भी होती लाइफ में, अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी तारीफों के फूल बांधे जा रहे थे, हमें लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, हम राह चलते लोगों की मदद करते हैं, ऐसे करते हो, वो तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैम गलती तो इंसानों से ही होती है, मुझसे भी हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे जनता का फंड देते हुए भी तुम लोगों की हेल्प नहीं पड़ रही थी, और तुम लोग क्या कर रहे थे कि तुम खुद क्यों नहीं पैसे दे सकती, अब खुद कमा क्यों नहीं सकती, वो इस एज में आके कमाएंगी, और अगर किसी के मरने के कुछ महीने टाइम उसके बाद बच रहा तो वो नौकरी करने जाएगा। नो मैम, तुम्हें नहीं लगता कि उसको आराम की और प्यार की जरूरत होती है उस इंसान को? जी मैम। मैम आगे से मैं कभी भी किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव नहीं करूंगी। उससे पहले अपनी फैमिली वालों के साथ साथ दूसरे लोगों से भी प्यार करना सीखो। मैम मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि अपनी फैमिली की तरह ही दूसरों की फैमिली को भी ट्रीट करना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। और आप तीनों अगर फ्यूचर में इस एनजीओ में काम करना चाहते हो तो आप लोग अपना प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करो और प्रूव करो इस बात को। या थैंक यू सर। मिस्टर अजगर और जरूरी नहीं होता कि जिसके माँ बाप नहीं होते वही इंसान इंसान को समझे, आप लोगों को भी समझना चाहिए। जी मैम मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी और इस एनजीओ में दोबारा इंटरव्यू के लिए तभी आऊंगी जब मैं एक अच्छी इंसान बन सकूं, और मुझे लगता है कि अभी मुझ में बदलाव की बहुत जरूरत है। ठीक है, और अब जब आप लोग जाओगे काउंटर पे पैसे जमा करवाओ। बिल्कुल सर। आकाश आप स्पेशली थैंक यू सो मच सर हमें दूसरा चांस देने के लिए। ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से 6 बजे तक की होगी। राम राम। राम राम।